बात उस समय की जब संधि प्रस्ताव लेके कृष्ण जी पहुंचते हैं दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन और कृष्ण जी के जवाब सवाल, कृष्ण जी दुर्योधन से क्या रिक्वेस्ट करते हैं और दुर्योधन क्या जवाब देता बाकी हवाला रागनी के माध्यम से। आइए साथियों, जैसा कि गुरुजी का आदेश संधि प्रस्ताव से बात, उस समय की बात जिस समय बता दे कृष्ण जी भगवान दुर्योधन के पास में शांति दूत बनकर पहुंच जाते हैं और दुर्योधन आइए किस प्रकार से मैं आ गया और सेवा पानी में तुमने आने को तो कह दिया, आइए मैं जो प्रस्ताव लेकर आया हूं उस पे तुझे थोड़ा गौर करना चाहिए और मानना चाहिए। आइए कृष्ण जी भगवान, आप लोग आपका मेरे दरबार में स्वागत है। स्वागत है तो स्वागत तो जब होगा जब मेरी बात मान जाएगा। बिल्कुल बता दें, जो आपकी बात मानने लायक होगी वो बिल्कुल मानने जाएगी। सम्राट दुर्योधन आपके सामने खड़ा है, जो आपकी बात बिल्कुल मानने लायक होगी वो आपकी बात मानने जाएगी। हाँ तो बताइए क्या कहना चाहते हो, अपनी बात खोल के बताए, क्या शांति प्रस्ताव लेकर आए हो मेरे पास? मैं संधि प्रस्ताव ये लेकर आया हूँ कि उनका कुछ ना कुछ बनता है। किसका? पांडवों का। पांडवों का मतलब कि आप पांडवों के हिमाती बनकर मेरे पास में आए हो? अरे हिमाती नहीं, सब कुछ सर्व नष्ट हो जाएगा अगर तने मेरी बात नहीं माने। महाराज मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सम्राट दुर्योधन है उन पांडवों का जिक्र मेरे सामने मत करना, क्योंकि उनका इस राज्य में एक सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं है। नहीं दे सकता? बिल्कुल नहीं दूंगा। तो बता दे, मेरी बात सुन ले। अपनी जिद न छोड़ के तू इतना कहना हमारा कर दे, इसी में भलाई तेरी राज का बंटवारा कर दे, इसी में भलाई तेरी राज का बंटवारा कर दे। अरे जन को बाण देते हो रे थारा, अरे
अगर तू मेरी बात को नहीं मानता
और सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं देने चाहता तो वो युद्ध के लिए तैयार हैं, अपनी तैयारी कर ले, वो युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। मन की बात सामने आ गई। मन की बात सामने क्या, मैं तो फैसला करने के लिए आया। फैसला नहीं, और आप युद्ध का ऐलान करने के लिए मेरे पास आए। युद्ध का ऐलान नहीं, अगर तू अब भी मेरी बात मान जाए और उन्हें जाकर पांडवों से कह देना वो दुर्योधन कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, युद्ध के लिए तैयार बैठा है, जा युद्ध के लिए तैयार है। सारी कह देना। अरे कमजोरी तो जब जात पड़ेगी जब युद्ध होगा। उसी रंग को तैयार हो जा, मेटने के खातर अपनी उमंग को तैयार हो जा, लाज नहीं बांटता तो जंग को तैयार हो जा, लाज नहीं बांटता तो जंग को तैयार हो जा। Shankar